नमस्कार बच्चों, अपना स्कूल ऐप में आपका स्वागत है। आज वैदिक मैथ्स की कुछ हम स्पेशल ट्रिक लेके आए हैं जिससे आप कैलकुलेशन न्यूमेरिक वैल्यूज को और फास्टर कर सकते हैं। अब देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड, हम डिवाइड जो है वैदिक मैथ्स की हेल्प से कर सकते हैं, बट वो आपका थोड़ा टिपिकल हो सकता है। बट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ये तीनों पार्ट ईजी है। अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस की है उनमें मल्टीप्लाई वाला रोल प्ले किया है। मल्टीप्लाई की जो हम लास्ट क्लास करेंगे, क्या दो क्लास करेंगे, उनमें आपको कंप्लीट जितनी भी क्लासेस की है उनका हम कंक्लूजन लेने वाले हैं। आज की जो हमारा क्लास का मोटिव है वो एक एडिशन, और एडिशन भी किस टाइप का, जैसे मान लीजिए आपके पास जीवन बच्चे, जैसे आपको 55 दे रखा है बच्चे या 95 है, 95 में आपको 59 को ऐड करना है। अब 95 में 59 को ऐड करना है, तो ऐड करने का कितना शानदार कॉन्सेप्ट है कि आप 9 और 5 दोनों को ऐड कर देंगे। 9 और 5 का एडिशन कितना होगा 14, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 11 से। 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11 4 या 44, और 11 बन जाए 11 प्लस 4 आपके पास हो गया 15 154। बच्चे आप सिंपल मैथ से इनको आप ऐड करेंगे तो भी आपके पास 154 आने वाला है। चेक कर लीजिए आप, 9 प्लस 5 आपके पास 44, 9 प्लस 5 14 प्लस 1 आपके पास हो गया 15। यानी आप जो है एडिशन को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म से आप इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, बस रूल क्या है हमारे पास कि डिजिट जो है उनका ऑर्डर चेंज होना चाहिए बस। ओके, और क्वेश्चन दीजिए आप, समान लिखा था जीवन है 78, अब 78 को मल्टीप्लाई करना है आपको 87 से, 78 और 87। अब 78 और 87 डिजिट का आपने ऑर्डर चेंज किया है, अब आपको इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स 8 प्लस 7 15 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 55, 11 हो जाए 11 प्लस 5 आपके पास 16 165। इजी है आपके पास, तो यानी आप जो डिजिट्स आपके पास जिनका ऑर्डर आपके पास चेंज है उनको आप इस वे में उनको आप 11 से मल्टीप्लाई करके आप उनको फास्टर कर सकते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, यानी जब भी आपके पास डिजिट जो है जब इंटरचेंज हो तो आपके पास इसके लिए फॉर्मूला हो गया सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय 11, सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय 11। कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है सर ये 2 डिजिट में वैलिड है, बिल्कुल ये आपके पास ओनली फॉर ओनली 2 डिजिट नंबर 10 to 99 तक आपके पास वैलिड है। आप यहां कुछ भी नंबर ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 84 लिया बच्चों, अब 84 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, 84 को ऐड करना है, 84 को आपको ऐड करना है 48 में। अब 84 को 48 में जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, अब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 11 को 22 और 11 बन जाए 11 प्लस 2 आपके पास हो गया 13 132। आप यदि ऐड करेंगे तो आंसर आपका 132 आने वाला है। तो ऐसे आप वैदिक मैथ्स की हेल्प से कैलकुलेशन को अपनी फास्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ यस, हमारा लॉजिक ये था आपसे कि जब भी आप वैदिक मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चंस करने होंगे, तो आप 20 क्वेश्चंस नहीं 5 क्वेश्चंस अभी करेंगे मेरे साथ साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है बच्चे 87 प्लस 78। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है 73 प्लस 37। टू गेट फास्ट, नोटबुक और पेन आपके पास हमेशा ओपन होना चाहिए जब भी आप वैदिक मैथ्स की क्लास देखेंगे। ओके, 73 प्लस 37, यस। थर्ड आपके पास है 29 प्लस 92। फोर्थ आपके पास लीजिए आप 35 प्लस 53। फिफ्थ लीजिए आप 67 प्लस 76। ओके, डिजिट्स में हमने ऑर्डर चेंज किया है ओनली, अब यदि हम सिंपली वे में ऐड करें तो आई थिंक शायद वैदिक मैथ में आपको कौन सा लगना चाहिए ना, तो वैदिक मैथ में आपके पास यहाँ पे डिजिट का सम हो गया 15 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 5 55 11 5 55 5 11 11 प्लस 5 165। यहाँ आपके पास 73 और 37 ऐड करेंगे आप डिजिट का सम तो आपके पास कितना हो गया बच्चे 10, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से, कितना आसान सा बन गया। ऐड करने से इजी है डिजिट के सम को 11 से मल्टीप्लाई करना। ओके, 7 प्लस 3 आपके पास हो गया 10, और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 11 से, तो वैल्यू आपके पास आ रही है 110। 29 और 92 को आप ऐड करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा वर्क है, 11 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, बियॉन्ड दैट 121। ओके, 5
फाइव प्लस थ्री आपके पास बिलियन में आने वाली है, फाइव प्लस थ्री आपके पास एट आ रहा है, मल्टीप्लाई करना है इलेवन से 88, चेक कीजिए आप, थ्री प्लस फाइव एट और फाइव प्लस थ्री एट, 88 आने वाला है। ओके नेक्स्ट आपके पास है 67 और 76, 6 प्लस 7 30 और 30 को मल्टीप्लाई करना आपको 11 से, 11 थ्री या 33, 3 केजी के आपके पास 11 हो जाए, 11 प्लस 3 आपके पास हो गया 41, 43। यदि आप 67 को 76 को ऐड करते हैं तो बच्चों आपके पास वैल्यू क्या होगी 143। ओके इस टाइप के आपको 15 क्वेश्चन एटलीस्ट करने हुए, 15 में से मैंने 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप 15 क्वेश्चन और करेंगे तो आई थिंक शायद आप कैलकुलेशन आपकी जो है वो वर्किंग फास्ट हो जाएगी। यस नेक्स्ट आज का जो न्यू अगेन जो नेक्स्ट वीक है आपके पास वो नेक्स्ट वीक, यस नेक्स्ट वीक बच्चे आपके पास दे रखा है यहाँ पे भाई हमें 25 से मल्टीप्लाई करना बता रहे हैं आपको है ना, लेकिन 25 को हम उस डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो 4 से डिविजिबल हो। जैसे मान लीजिए आपको न्यू ट्रिक आपके पास आज के लिए बहुत शानदार ट्रिक है बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 16 को 25 से, अब 16 को 25 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो इसकी ट्रिक इतनी अच्छी ट्रिक है कि आप लाइफ में इसको हमेशा याद रखेंगे। आप मुझे बताइए 25 को किससे मल्टीप्लाई करें कि बेस 100 में चेंज हो जाए, तो आप बोलेंगे सर 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना होगा 100। एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा हो सकता है उसमें टाइम लग जाए लेकिन फ्यूचर में जो आप वर्किंग करेंगे वो फास्ट वर्किंग करेंगे। यस 25 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया बच्चे तो आपके पास आ रहा है 100। तो मेरा मीनिंग आपसे ये है ऊपर भी आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर में भी आप 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 25/1 और 25 को भी आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर को भी आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये केवल ये ट्रिक उन्हीं के लिए वैलिड होगी जब आपके पास वो 4 से डिविजिबल नंबर हो, अदरवाइज ये हो भाई 4 से डिविजिबल नंबर है आपके पास तो 4 को आपके पास 16 से गए सिर्फ 4 टाइम और 25 4 आपके पास हो गया 100 तो 4 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 100 कितना हो गया 400, यानी आपके पास जो डिजिट आपके पास 4 से डिविजिबल है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए उसके आगे 20 पेस्ट कर दीजिए, बड़ा सिंपल सा लॉजिक हो गया आपके पास। ठीक है जैसे मान लीजिए आपके पास 36 है और 36 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, अब 36 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो इजी पैटर्न यही है कि 36 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा 9 और 20 पेस्ट कर दीजिए, कितना आसान सा वर्क हो गया। ओके 44 ले लीजिए आप, 44 को आप 25 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, 44 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई तो वैसे तो वो टिपिकल टास्क है आपके पास, लेकिन वैदिक मैथ्स की हेल्प से 44 को 4 से डिवाइड कर दीजिए आप, 44 को 4 से डिवाइड करते हैं 11 और 400 मैच कर दीजिए आप, आपका आंसर क्या हो गया भाई 1100 है इजी टास्क। ठीक है इस टाइप के आपको 5 टू 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, नोटबुक और पेन आप ओपन कर लीजिए मेरे साथ साथ वर्किंग करेंगे, वैदिक मैथ्स का आपको फायदा तभी मिलने वाला है जब आप मेरे साथ साथ वर्किंग करेंगे। यस नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके पास नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस बैक टू बैक आपको दे रहे हैं हम, मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चे 24 मल्टीप्लाई बाय 25, ओके 28 मल्टीप्लाई बाय 25, 84 मल्टीप्लाई बाय 25, ओके बच्चे 132 मल्टीप्लाई बाय 25, ओके भाई और आपके पास गिवन है 124 मल्टीप्लाई बाय 25, ये बैक टू बैक कितने क्वेश्चंस काफी हैं आपके पास, एक सेकंड में आंसर देंगे आप 24 4 से डिविजिबल है यस सर 6 और आप डबल जीरो पेस्ट कर दीजिए, 28 क्या 28 4 से डिविजिबल है यस सर 7 टाइम और 2 जीरो पेस्ट कर दीजिए आप, कहीं कोई प्रॉब्लम भाई 84 को यदि आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 20 बन जाएगा आपके पास और 2 जीरो आप पेस्ट कर दीजिए, 132 को बच्चे आप 4 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या होगी भाई 132 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 जा 1 और 1 से फिर अगेन 12 तो 4 3 जा 12 और 2 जीरो आप ऐसे कैसे पेस्ट कर दीजिए, 132 को आप अच्छे मल्टीप्लाई करने के से 25 से चेक कर लीजिए आप आंसर करेक्ट आ रहा है कि आ रहा नहीं, यदि मिस्टेक है वो भी मिस्टेक हो सकती है लेकिन आपके पास 132 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक साइड 33 आएगा आपके पास है ना भाई, 124 को आपको 25 से 4 से डिवाइड करना है, 124 को 4 से डिवाइड करते हैं 4 3 जा 4 1 जा 4 31 के आगे पुट कर दीजिए आप बदल दीजिए। ठीक है इस टाइप से आपके पास कोई भी वैल्यू यदि नो प्रॉब्लम आपके पास 2 डिजिट नंबर है 3 डिजिट नंबर है कोई भी नंबर आपके पास हो सकता है, हो सकता है आपके पास 4 डिजिट नंबर है लेकिन बस वो आपके पास डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है बच्चे 8664
क्या 8664 बच्चे 4 से डिविजिबल है क्या? चेक कीजिए भाई, 8664 मेंटल से मैं कैसे ले रहा हूं, चेक कीजिए ये 4 से डिविजिबल है क्या? यस 4 से डिविजिबल है, चेक कीजिए आप 4 बन जा 4 वैल्यू क्या बची भाई 2, 2 से 26, 2 से 26 4 6 जा 24, फिर 2 रिमाइंडर बच गया, फिर आपके पास 4 से 24, फिर 2 और फिर 24, 4 से 24 आपके पास वैल्यू आ रही बच्चे कितना 1666 आ रही है आपके पास। चेक कीजिए आंसर ये आ रहा है क्या भाई, 8664 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, 8664 को डिवाइड कीजिए बच्चे जल्दी से, 8664 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन गया 4 आपके पास, 4 सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे 4 टू या 8, इसको डिवाइड करेंगे 4 से 4 बन गया 4, 2 रिमाइंडर बच गया आपके पास 26, 4 6 से आपके पास हो जाएगा फिर 2, 4 6 जाओ 2 जीरो आपके पास है बेस्ट, तो 216600 आप चेक कर लीजिए आपका आंसर ये आना चाहिए भाई। ओके एक क्वेश्चन और भी आपको, यस 5048 ले लीजिए मेरे साइड से आप, 5048 आपको डिजिट्स ऐसे लेने हैं जो 4 से डिविजिबल हो। यस बच्चे 5048 को आप 25 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, 25 से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू क्या होगी, तो पहले आप ये चेक कीजिए ये डिजिट आपका 4 से डिविजिबल है क्या भाई, ये डिजिट आपका यदि 4 से डिविजिबल है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए पहले आप इसको, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, वैल्यू रिमाइंडर कितना बचा 1, 1 से बन गया 10, 4 टू या 8 और फिर रिमाइंडर कितना बचा 2, और 2 से 24, 4 से 24 और 4 टू या 8 और 2 जीरो आपको पैच करनी है तो 12620, 126 और 20 जो कि करेक्ट आपके पास। ओके जैसे मैं ये क्वेश्चन आपको इजी टास्क है तो बस केवल आपको मेथड चेंज करना है अपना, मल्टीप्लाई तो करना ही करना है लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए आपको अपना मेथड यूज करना है बस, मेथड वो आपको जैसे अभी आपने क्या किया अभी जस्ट आते हैं अपने टिक नंबर फर्स्ट की, भाई आपके पास डिजिट्स का आपको इंटरचेंज ही हो रहा है तुमको ऐड तो करना ही है लेकिन वो डिजिट्स को ऐड करके 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिजिट्स पर आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रिक भी हमारे पास यूज में आती है, आप बार बार इंप्रूव करेंगे तभी आपके पास ये बेनिफिशियल है, आपकी न्यूमेरिक कैलकुलेशन जो है वैदिक मैथ फास्टर करती है नो डाउट, लेकिन हैबिचुअल होना पड़ेगा आपको इसके लिए, आपको इनको बार बार यूज करना होगा तभी आप कर सकते हैं। ओके फ्यूचर में जब आप बैंक वगैरह के एसएससी वगैरह के एग्जाम देंगे तो आपको इन्हीं कैलकुलेशन के थ्रू आप क्राउड से आगे जा सकते हो, और क्राउड से आगे जाने का इसके अलावा और कोई पैटर्न नहीं है मैथ्स में, मैथ्स में कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। आई थिंक सर पहले भी अपन एक फ्रैक्शन को सो ही कर रहे थे, अभी नेक्स्ट टिक नंबर 3 है वो करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप एक काम कीजिए जैसे आप 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 में आपने 4 से डिवाइड करके और आपने 2 जीरो पेश कर दिया, यस 125 को बचे मान लीजिए आपको 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 को किससे मल्टीप्लाई करिए कंप्लीटली टर्म जीरो में चेंज हो जाएगा, इसके लिए आपको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, 125 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 जा 40 जीरो और के लिए 8 2 जा 16, 16 में 4 ऐड कर दीजिए 20, 20 का 0 2 के लिए 8 बन जा 8 प्लस 2 हो गया 10 बनता हो गया आपके पास है ना, तो आपके पास जब भी कभी 125 गिवन हो तो आपको किससे डिवाइड करना होगा भाई, अब आपको 8 से डिवाइड करना होगा। ओके भाई अब 8 से डिवाइड करने का रूल क्या है भाई, 8 से डिविजिबल नंबर कौन सा होगा आपके पास, 8 से डिविजिबल नंबर के लिए कंडीशन आपके पास क्या है आपको चेक करना होगा कि वो डिजिट जो है वो आपका 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको यहाँ पे चेकिंग करना होगा फिर वो नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए भाई। ओके जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया यहाँ पे 72 मल्टीप्लाई बाय 125, अब 72 को 125 से मल्टीप्लाई करें तो मुझे बताइए ऑर्डिनरी मेथड से कितने टाइम में कर सकते हैं आप, आई थिंक 1 से 2 मिनट्स में, लेकिन अब देखिए हम वैदिक मैथ्स की हेल्प से कितना फास्ट वर्क करेंगे ना, क्या करना है बच्चों इसमें आपको 8 से डिवाइड भी करना है और 8 से आपको मल्टीप्लाई भी करना है, यस जहां आप 8 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और 8 से इसको डिवाइड भी कर रहे हैं, आप इसको 8 से डिवाइड 125 जो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे पता है ये वाली वैल्यू 1000 आने वाली है और ये जो 8 है वो 72 कट कर देगा, ये तो एक्चुअली में मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी फ्यूचर में जब आप वर्किंग करेंगे वो फास्ट वर्किंग करेंगे। यस 8 को आप डिवाइड कर रहे हैं बच्चे इससे 8 को डिवाइड कर रहे हैं 72 को डिवाइड कर रहे हैं 8 से 8 आएगा 72 तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 9 वैल्यू क्या होगी 9000,
बस केवल आपको सिंपल सा लॉजिक क्या लगाना है कि वो a से डिविजिबल है या नहीं है। ओके, मान लीजिए अपन सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, है ना। यस, 168 ये सपोज आपके पास। अब 168 को यदि आपके पास एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एक बार तो हम स्टक हो जाएंगे कि यार क्या करें, 168 125 को मल्टीप्लाई, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। अब उस टाइम पे आप उसको स्किप करके आएंगे, छोड़ के आएंगे। लेकिन अब आप वैदिक मैथ्स वाले बच्चे हैं तो आप और बड़ी फास्ट कैलकुलेट करेंगे इसको, है ना। तो लाइफ टाइम क्वेश्चंस को आप हमेशा याद रखेंगे, इसके लिए आप अपनी नोटबुक के अंदर अभी से इनके नोट्स वगैरह बना लीजिए। पता नहीं फ्यूचर में ये आपको ट्रिक्स मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो एक जगह नहीं मिल पाएगी। तो फिलहाल आपकी समर वेकेशन का जो आप फायदा है वो आप उठाने वाले हैं, और वैदिक मैथ्स की जो भी ट्रिक्स आपको करवाई जा रही है, एक कलेक्शन पता है आपको वैदिक मैथ्स का कलेक्शन करने में स्वामी कृष्णा भारती तीरथ जी महाराज जो हैं संगेरी मठ के, उनको इनका असेंबल करने में, उनको ये सारी कुछ चीजें इकट्ठी करने में कम से कम ये मान के चलिए 10 से 15 साल लग गए उनको, तब जाके वैदिक मैथ्स की ये ट्रिक्स हमारे पास हमारे सामने आई है। उन्होंने बताया कि 16 आपके पास सूत्र है, 13 आपके पास उपसूत्र है, जिनकी हेल्प से आप वैदिक मैथ्स को फास्टर कर सकते हैं, इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैदिक मैथ्स का जो फंडा है वो केवल इंडिया वालों के पास है, और इंडिया वाले हमेशा से धर्मगुरु रहे हैं और आज भी आगे रहेंगे, पहले भी आगे थे। ओके, तो आपको बस क्या करना है, जो इनका कलेक्शन करना है, और कलेक्शन के लिए आपके नोटबुक और पेन आपके पास सामने होना चाहिए। कैलकुलेशन आप फास्टर करेंगे, इनके आप नोट्स वगैरह बना लेंगे। यस, आपके पास है 168 × 125। बच्चे 168 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब बस आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना है, 30 आपको यूज करनी है, पता है आपको। लेकिन ये डिजिट आप चेक करो कि 8 से डिविजिबल है क्या, 168 8 से डिविजिबल है। यस, चेक कीजिए आप, 8 × 16। यस, और 8 × 8 क्या करना है यार, इसके आगे 30 आपको पुट कर देना है। ओके, 30 आपको पुट कर देना है। अभी आप अपने साइड से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, आप एनी वन आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। यस बच्चे, अब हम 8 से डिवाइड होने वाले डिजिट्स ही लेने वाले हैं, और उनको आप कितना फास्ट वर्किंग करेंगे देखिए आप। ऐसे तो मल्टीप्लाई हमारे सामने आती है, एक बार तो माइंड से स्टक हो जाता है कि यार मल्टीप्लाई कैसे करें, लेकिन अभी आप देखिए सामने कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बच्चे, यहाँ पे आपके पास गिवन है 3648। मेरे पास जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है उनको आप मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से, 125 3648 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 125 से। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एक बार तो माइंड में स्टक होता है यार क्वेश्चन मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वो टाइम लगेगा, लेकिन आपको विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। 3648 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए बच्चे, 8 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करेंगे 8 × 4 = 32, कितना बच गया भाई 4, और 4 से 44 8 × 5 = 40, फिर 4 × 4 = 48, 8 × 6 = 48, और 00 आप पुट कर दीजिए, 00 000 000 पुट करना है आपको, है ना। तो आपके पास वैल्यू क्या जाएगी भाई, 456 और 000। यस, नेक्स्ट आपके पास बैक टू बैक 4 क्वेश्चंस में दे रहा हूं, आप लोग उनको कैलकुलेशन करेंगे, 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आपको विद इन 4 to 5 सेकंड्स में क्वेश्चन को करना है, है ना। यस बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2848 × 125। सेकंड क्वेश्चन आपके पास जो है बच्चे 523912 × 125। आपके पास ओनली फॉर ओनली 10 सेकंड का टाइम है, और ये क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी करने वाले हैं। 523912 523 8 4 × 25 3 8 4 × 25 4 8 6 3 5 6 0। आप 523912 चेक कीजिए पहले, आपको 8 से डिविजिबल है या नहीं है। 52 को आप 8 से डिवाइड करते हैं बच्चे, तो आपके पास 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 = 48, रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर हो गया 6, और 6 से बन गया 63, 8 से बन गया 56, 8 से बन गया 56, कितना बच गया 7 बच गया आपके पास, है ना। इसको आपने डिवाइड किया तो आपका 6 आ गया, फिर आपके पास यहाँ रिमाइंडर बच गया 6, 63,
और 63 में आपके पास हो गया 7, 7 से बनाएंगे 79 और 7 से 79 तो 8 9 72 कितना बच गया भाई 5, 5 से बनाएंगे 51 और 51 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 48 कितना बच गया 3 और 3 से 32 तो 4 8 32 कितना आसान सा वर्क है। ट्रिपल जीरो को कर दीजिए आप 6 7 9 6 8 आप चेक कर लीजिए बच्चे डिवाइड देख देख लीजिए आप 5 2 आप डिवाइड करेंगे बच्चे 5 2 5 2 3 9 3 9 1 2 और इसको डिवाइड करें किससे आप इसको डिवाइड करें आप 8 से इसको डिवाइड 8 से करेंगे तो आपका वैल्यू आएगी 6 5 6 5 4 8 9 6 5 6 5 4 8 9 और आपको ट्रिपल जीरो पुट कर देना है। चेक कर लीजिए आपने राइट किया या रॉन्ग किया अभी आप यहाँ 8 से डिवाइड करते हैं 8 6 48 ठीक है भाई आपके पास वैल्यू क्या बची 48 चार बच गया चार को बनाए थे यानी 43 43 8 5 3 बच गया 3 से बनाया 39 और 39 को डिवाइड कर दिया तो 8 4 32 कितना बच गया भाई 32 और 39 5 बच गया 551 ओके तो आपके पास वैल्यू क्या बची भाई मसी और फिर लास्ट में आपके पास 8 9 72 चेक कर लीजिए आप सभी अपना कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए आपके पास वैल्यू करेक्ट होनी चाहिए 5 2 3 9 1 2 डिवाइड करेंगे आप 8 से 5 2 3 9 1 2 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 6 5 4 8 9 आना चाहिए और ट्रिपल जीरो कर देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 2 8 8 4 को 8 से डिवाइड कीजिए बच्चे क्या आएगा बस आप डिवाइड कीजिए जल्दी से 5 2 3 3 8 4 को आप डिवाइड कीजिए यस टेल मी यस एक सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए क्या आंसर होगा भाई 6 5 4 2 3 6 5 4 2 3 6 5 6 5 4 2 3 और इसके आगे आप ट्रिपल जीरो पुट कर देंगे ओके। इस टाइप से आप अपने मल्टीप्लाई को बड़ी फास्ट से फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं भैया ना न्यूमेरिक वैल्यू कितना फास्ट वर्किंग हो गई ओके। अब आप इसको 15 क्वेश्चंस आज आप इसके डिवीजन में आप करने वाले हैं ओके। नेक्स्ट आप लेते हैं बच्चे न्यू ट्रिक आप लेते हैं मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था कि फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चंस है आई थिंक शायद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फ्रैक्शन वाले कुछ क्वेश्चंस है जिनमें बिग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारे पास ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस के लिए हमने आपसे डिस्कस भी किया था कि आप बहुत ही फास्ट से फास्ट वे में वर्किंग कर सकते हैं जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपको आई थिंक शायद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 1/3 × 4 लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी इस तरह की प्रॉब्लम हमारे पास क्लियर नहीं हो पाई तो 1/3 × 4 है प्लस 1/4 × 5 आपके पास है प्लस 1/5 × 6 आपके पास है ओके प्लस 1/5 × 6 है 5 × 6 6 × 7 7 × 8 ओके 7 × 8 तक लिखा है ओके प्लस 1/6 × 7 और प्लस 1/7 × 8 ये आपके पास वैल्यू की बन है। अब इनकी आपको कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करेंगे भाई क्वेश्चन मार्क आपके पास वैल्यू क्या होगी इनमें यस 1/3 × 4 1/4 × 5 1/5 × 6 1/6 × 7 1/7 × 8 और इनको सोल्व करने के लिए आपने क्या चीज यूज किया था भाई यहाँ पे आपको यहाँ पे कितनी टर्म है वो आपको काउंट करनी है 1 2 3 4 5 आपके पास 5 टर्म है बच्चे यहाँ पे ऊपर तो आप क्या काउंट करेंगे आप इसकी टर्म और नीचे आपके पास आपको मल्टीप्लाई करना है इसमें आपको स्मॉल से स्मॉल डिजिट आपके पास कौन सी है स्मॉल को मल्टीप्लाई कर देना है किससे आपको स्मॉल मल्टीप्लाई बाय ग्रेटर स्मॉल मल्टीप्लाई बाय ग्रेटर आपके पास टर्म कितनी की बने काउंट कर लीजिए 5 टर्म के बने तो आपका आंसर हो जाएगा 5/3 स्मॉल टर्म आपके पास 3 है और ग्रेटर आपके पास 8 है आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो 5/24 आपका आंसर आने वाला है 5/24 आपका आंसर आने वाला है ठीक है भाई और भी आपके पास क्वेश्चन दे सकते हो लेकिन बस इनका लॉजिक आपके पास फिक्स है कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी सर लॉजिक क्या है इनका भाई लॉजिक आपके पास ऐसा नहीं कि यहाँ आपके पास इन सब का डिफरेंस देखिए आप 3 और 4 का डिफरेंस 4 और 5 का डिफरेंस 5 और 6 का डिफरेंस 6 और 7 का डिफरेंस 7 और 8 का डिफरेंस इन सब का डिफरेंस आपके पास सेम है ओके डिफरेंस सेम है तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं यस एक क्वेश्चन छोड़ लीजिए आप ले लीजिए बच्चे यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने ले लिया आपको 5/4 × 6 + 5/6 × 8 हम डिफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे 2 2 का है ना 4 × 6 6 × 8 + 5 8 × 10 ले लीजिए बच्चे आप प्लस 5 10 × 12 ले लीजिए आप ओके
और प्लस के 5 आप ले लीजिए 14 तक, है ना, प्लस के 5 12 इंटू 14। यस, हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टोटल टर्म कितनी हुई आपके पास, टर्म काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 टर्म है, 5 टर्म आपके पास, और आपके पास यहाँ तो वैल्यू गिवन है वो भी 5 है, लोवेस्ट से लोवेस्ट वैल्यू आपके पास 4 है, और अबव से अबव जो वैल्यू दे रही है वो आपके पास 14 है, तो 5 5 है 25 और 14 5 56, 14 5 56 आपके पास इसका आंसर क्या होगा बच्चे, आपके पास इसका आंसर हो गया 25 56 इसका आंसर हो गया। ओके, ये आपके पास आज की ट्रिक नंबर 3 थी। ओके, नेक्स्ट आपके पास आज हमने कितनी ट्रिक की भाई, आज हमने आई थिंक 3 से 4 ट्रिक कंप्लीट कर दी है ना, एक तो 25 से मल्टीप्लाई करने वाला, 25 को 125 से मल्टीप्लाई करने के लिए, एक आपने आपने सम वाला किया जिसमें डिजिट्स को आपने इंटरचेंज करके इस टाइप से आपने फाइंड किया था। ओके, एक आपके पास ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है जिसको आपने, एक हम वैदिक मैथ्स के अंदर कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है कि सर हमें एडिशन जो है वो फास्ट नहीं कर पाते, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि सर हम मार्केट में गए और मार्केट में जैसे मान लीजिए 252 का हमने कोई सामान लिया और 252 के उन्होंने 3 आपके पास आइटम लिए, अब उनको कैलकुलेशन करने के लिए उनको कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होती है या पेन कॉपी की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं वैदिक मैथ्स की हेल्प से आप उनको डबल या ट्रिपल इजी वही कर सकते हैं, बस आपको गलती क्या करनी है, 6 क्लास की तरह 7 क्लास की तरह 5 क्लास की तरह क्या करना है इनको, आप इनकी जो प्लेस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग बताइए मुझे, 2 की प्लेस वैल्यू आपके पास 1 है तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, प्लस 5 की प्लेस वैल्यू आपके पास 10 है तो 5 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 आपके पास 100 पे 2 को मल्टीप्लाई करने से 100 पे, ये 1 प्लेस पे है 1 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये 10 प्लेस पे आपने 2 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास 100 प्लेस पे है तो आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप यहां इसका ट्रिपल टाइम, मान लीजिए आप मार्केट में गए और 252 रुपीस के आपने कोई आइटम परचेज किया है, लेकिन वो 3 आइटम आपके पास है, अब 3 आइटम आपने परचेज किए तो आपको इसके लिए कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होगी, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कैसे भाई, आप यहाँ बच्चे क्या करेंगे, अब ये देखो आपके पास हम बाकी बता रहे हैं इसलिए आपको सकता है 2 से 3 मिनट लग जाए, लेकिन जब फ्यूचर में आप वर्किंग करेंगे तो बहुत इजी से इजी वर्किंग कर लेंगे। यस, आपके पास ये 100 प्लेस में है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये भी मल्टीप्लाई बाय 3 और ये भी आपके पास मल्टीप्लाई बाय 3, मुझे बताएंगे 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू क्या होगी 600, प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू क्या होगी आपके पास 5 3 15 और 10 आपके पास और 2 3 कितना हुआ बच्चे 6, ये आपके पास वैल्यू जो होगी, है ना। अब ये आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी है कि सर 252 है मतलब ये इधर से आपको लेफ्ट से राइट चलना है, तो आज तक हम क्या करते थे इसको इधर से मल्टीप्लाई करते थे, आज पहली बार हम मैथ्स की वैदिक मैथ्स की न्यू ट्रिक कर रहे हैं जिसमें आपको लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करना है। यस, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं आप 200 से 200 मल्टीप्लाई कितना हो गया 600 और आप यहां 50 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 का मतलब हो गया 50, 50 को मल्टीप्लाई कर 350 हो गया, अब 150 में से 600 को ऐड कर देते हैं अपन, 5 10 प्लेस पे आपके पास है और 6 आपका 1 प्लेस पे है, सबको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए। अब ये तो अभी तो मैं आपको बोर्ड पे रिटर्न दे रहा हूं, लेकिन आपको बाकी ये वर्किंग जो है वो आपको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है ना, यहां मल्टीप्लाई 2 दे रखा है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नो प्रॉब्लम भाई, 3 5 6 है तो 300 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस के 50 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस के 6 मल्टीप्लाई बाय 2। यस, आप मुझे बताइए 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 600, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 100 और 6 को 2 से कितना हो गया 12, तो 600 प्लस 100 प्लस 12 कितना हो गया 712, कितना आसान सा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, अपना स्कूल ऐप में आपका बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू वेरी मच।